कहाँ है बेटा कू कहाँ है प्रणय भैया कहाँ है। तो आप सभी को सुबह के राम राम। उठ जा रहे भाई। राम 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 राम। आज तो बारिश हुए थे, मस्त ठंड लगी। ठंड तो हल्की हल्की है। ये देखो इस गंदे की गंदी आदत पड़ी है। ए नीचे उतर बुगड़ी। पहले निकाल के बैठे। 5:39 पे उठे हो आज रोज। तो हम 5:30 पे उठे हैं आज रोज से। एक घंटा लेट। 4:50 पे उठती हूँ। आलस फैला रही हो आप यहाँ पर आके। फैलाएंगे ना यहाँ भी नहीं। क्या फैलाऊंगी क्या आलस यहाँ क्या मेरे को। वो देखो हमारे काका का बड़ा भाई कह रहा है अट्टा आलस मत फैलाओ काकी जी। रात को जो हमारे हूर आया था वो गरारे कर रहा है। देखना और फिर आएगी आवाज आई। ऐसी रात को आवाज आई थी। हम रात आई थी हमारे मोगलू बोंगरे तो जोर से सब हम देख रहे थे है क्या। और हम आलस के मारे उठे ही नहीं। तो भैया सुबह सुबह तापनिया शुरू हो चुका है और सबका इंतजार है। बैठक लगा दी गई है। देखो बैठक लगा दी गई है। मम्मी आ गई और इधर ये मोगली भी आ चुका है। और अब समस्या किसको हो रही है पता है। वो बगीरा उधर से यहाँ भी बिस्किट वितरण कार्यक्रम होगा। हम चाय पियेंगे तो इनको भी एक एक बिस्किट बांटेंगे। इसलिए वो कह रहा मेरा बिस्किट बगीरा लेके चलो। मेरे को लेके चलो जल्दी। बगीरा बिस्किट खाएगा। अच्छा रुको आओ। पापा का मटका अलग से दिख रहा है। दिखे है नहीं। गाय उठ चुकी है। जैसे ही स्पीकर लेके वहाँ पहुँचा है ये भजन चालू होने वाले हैं। इनको सुनने ये कह वालू कह रही है आज वो वाला भजन बनाओ बना सुनाओ। कौन सा सुनो। अवध में राम आए हैं। चलाते चलाते अभी चलाते ओके। ये देखो धेनु देखो डेटी आलसी। ये कह के मैं आज बैठ के सुनूंगी है आराम से सोते सोते ना। बाकी देखो तीनों गाय खड़ी होगी भजन सुनने के टाइम पे। भैया देखो हमारी छोटी गाय चारा चल रही है। बड़ी नहीं छोटी। ये देखो ये छोटी गाय चारा चल रही है। क्या कर रही है। हैं थोड़ी छोटी गाय नहीं है ये सफेद भैंस है। ये तो सफेद भैंस है ये क्योंकि गाय तो देखे शर्मा के मेरी मजाक उड़ा रहे हो। मैं तो जा रहा हूँ। ये तो कर रहा है भगवान सूर्य को नमस्कार। और हमारी अकीला क्या कर रही है चलो आपको दिखाता हूँ। कहाँ है अकीला। अकू कहाँ है बेटा अकू कहाँ है प्रणय भैया कहाँ है। कितने घुचा था तू। तो भैया एक साबुन का ऐड आता था पता है उसमें बोलते थे कि अरे तुम्हारा साबुन स्लो है क्या। तो हमारे पास वो लाइव एग्जांपल है। प्रणय भैया आपका साबुन स्लो है क्या। साबुन नहीं प्रणय भैया तो खुद ही स्लो है। वो साबुन स्लो है इसलिए। अरे क्या ये जैसे इधर काम करते करते फिर इनका दिमाग लगता है अरे वो काम तो बाकी फिर उधर चले जाते तो ऐसे घपसेड़ में स्लो हो जाते। ऐसे ही होता है। सितारा इतने दिन यहाँ पे पूजा करने के बाद हम भगवान को हाथ जोड़ लेते थे। कोई प्रणाम करने वाला था ही नहीं। अब कोई है। मम्मी प्रणाम। ओहो ओहो देख मम्मी को देख एक्टिंग कर रही तो देख। ओहो तो भैया असली नाश्ते का मजा तो मम्मी के आने के बाद होता है। देखो कहाँ करे चार बढ़िया मसाले लगा के पोए। और मम्मी आके भी पूछे चाय और बना दू क्या। चाय बना दू क्या। बना दो जो मर्जी हो सब बना दो। जो मर्जी हो सब क्या। मैंने तो सोचा था आज उपमा और सूजी का हलवा बनाऊं पर तुम तो मना ही कर देते हो। उपमा नहीं पता नहीं सोचना अपना। गोल्ड डिगर वाला वीडियो शूट चल रहा है जिसमें ये बनी है गोल्ड डिगर। ये डायरेक्टर ये एक्टर और हीरो मैं हूँ। धूप है तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी। घर चली जा। इंसान तो इंसानों के जैसे सोता ही है। हमारी अकेला को देखो वो कैसे सो रही है। तो इंसानों से भी तगड़े तरीके से सो रही है। ए अकू काफी के मस्त। ये देखो सब सो रहे हैं। ये भी सो रहा है। सब पापा अभी सो के उठे हैं। मामा एक नहीं सो रहे हैं। बाकी सब के सब सो रहे हैं। देखो दिखा दो। ये देखो इधर उधर झूमर भी सो रही है अंदर। मैं एक अकेला हूँ जिसको काम की फिक्र है और मैं जग रहा हूँ बस। अंकल जी हंस रहे के झूठे पहले तू ही सो रहा था। तो ये आ चुके हैं हम रामचरो के। मम्मी आपका पुराना मंदिर है ना ये। बहुत पुराना। बचपन में आती थी ना आप। कौन से भगवान का मंदिर। हमेशा ऊपचट के मंदिर। ऊपचट का मंदिर। मम्मी ऊपचट का मंदिर रामचरो के का व्रत करते थे तो आती थी। चलो चलो अंदर चलो चलो इंटरव्यू खत्म। मम्मी तो इंटरव्यू देना लग जाती है। नानी के यहाँ पे और नानी हमको भेलपुरी खिलाने से मना कर रही है। चाय के साथ नमकीन खा लेना। बोलो देखो
ऐसे देखो ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ ननियाल में। नानी ऐसी है तो कह रहा है ना बदनाम कर रहा है। मैं बदनाम कर रहा हूँ तो ये भेलपुरी बनाई है मामी ने, नानी ने तो मना किया था फिर भी मामी ने बना दी। तो पूनम ने हमसे क्या गद्दारी करी है, हमसे तो कभी हमें बहुत कम चाटा है। देखो उनको चाट रही, उनको दिखा तो चाट के दिखा ना पूनम। ओ पूनम तेरे को शर्म नहीं आती है? ये कैमरा देख के मुंह उधर कर लिया गद्दारी करते हुए पकड़ी गए। पूनम देखो देखो शर्म नाम की चीज है या नहीं है? कैमरा जाता है ना उसके पास तो ऐसे के ओ शिट गद्दारी करते हुए पकड़ी गए। गद्दारी कर रहे बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तू? बारा पापा के नीचे छुप के बैठा देखना, इसको पता है पापा बचाएंगे। बारा बारा तू मुंह कहाँ छुपा रहा है? बारा इधर से, बारा आओ इधर से आओ। हार बताए पता है हार हार महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो जरूर करें। जयराम जी की।